जो मुझे गिरफ्तार करने वाले थे जो मुझे अगवा करने वाले थे उनको पूरा पाकिस्तान जानता है मेरी गलती जो है वो भी पूरा पाकिस्तान जानता है जाने के बाद जब मुझे लेके गए तो पीछे से दोबारा से रेड हुई है मेरे छोटे भाई को पकड़ने के लिए वालिद साहब को मेरे मारा गया मेरे बुजुर्ग तायाबू थे उनको मारा गया और उनको कहा गया कि अगर आपने वो छोटे भाई को नहीं दिया तो आपको मार देंगे अगर छोड़ा गया तो इस चीज़ पे कि मैं खत्म हो गया था मैंने जो आपको बताया कि शायद अगर वो दो दिन और रख लेते तो शायद आगा सरवर आपके सामने ना बैठा हो तो फिर जब मुझे मारा जाता था तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाया मुझे दो तीन दिन तो बिल्कुल से सांस नहीं आई फिर उन्होंने तबी दाद दी मुझे इंजेक्शंस लगाए और उससे मेरी तबीयत और बिगड़ना शुरू हो गई फिर उसके बाद मुझे दो बार खून की उल्टियाँ हुई मैं जालिम का चेहरा जो है वो इतना खौफनाक है कि मैं नहीं चाहता कि मैं उसको बात वापस दोहराऊं लेकिन ये जो तकलीफ उन्होंने प्रोवाइड की है मुझे मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा थी मैं उनसे फिर भीख मांगने लगा मैंने कहा कि सर मैं या तो आप मुझे मार दें क्योंकि तो मैं अब तकलीफ तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो फिर डॉक्टर्स ने उन्होंने ये कहा कि भई आप इसको या तो हॉस्पिटलाइज करें या छोड़ें वरना हमारे हाथों से निकल गया वो लोग समझते थे कि आई एम नो मोर जिसकी वजह से मुझे छोड़ा गया गया है आसाम को बनासीन आपसे आसद दो पीके देख रहे हैं सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है पाकिस्तान की सड़कों में अपना नाम बनाने वाला एक बहादुर नौजवान प्रॉमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब आगा शेख शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर वेरी बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया यह तारीफ मैं समझता हूं मैं काबिल तो नहीं हूं कोशिश कर रहा हूं स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट हूं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ का सर माशाल्लाह आपने सड़क के ऊपर एक इंपैक्ट डाला है अच्छा मैं स्ट्रेट दो तीन चार सवालों की तरफ आता हूं सर एक तो वो कहानी वहां से शुरू हुई जहां पर हमने वीडियो देखी बंदे आपके घर में घुस जाते हैं आपके जो बहने हैं और आपके वालदेन हैं वो आयतर कुर्सी पढ़ रहे हैं क्या आपके जाने के बाद भी कोई आपके घर के अंदर कोई जुल्म ज्यादा कुछ हुआ है आपके पेरेंट्स या फैमिली के साथ मैं जब तकरीबन 12 से 13 दिन बाद वापस आया हूं तो पहले तो मुझे होश नहीं था मैं ये बता दूं कि मेरे साथ जो कुछ किया गया वो इतना खौफनाक था कि जब मैं आया हूं तो दो तीन दिन मुझे होश नहीं था कि मैं कहां पर हूं फिर जब मैं संभला हूं तो मैंने मैं फैमिली से पूछा है कि क्या हुआ था घर के बाहर क्या मामला थे तो मुझे पता लगा है कि जी मेरे जाने के बाद जब मुझे लेके गए तो पीछे दुबारा से दोबारा से रेड हुई है मेरे छोटे भाई को पकड़ने के लिए कि इसका ट्विटर बंद करवाओ इसको बंद करवाओ ये कहां पर है और दोबारा से मेरी फैमिली को मारा गया था तकलीफ एक बात की बहुत ज्यादा हुई है मुझे कि जब आप किसी के घर में जाते हैं तो मतलब के कुछ समझते नहीं है किसी चीज की कोई इजाजत कोई कुछ नहीं दरवाजे टूटते हैं और अपनी मनमानी से आना जाना कुछ मतलब समझ नहीं आया मैंने जब अपनी फैमिली से पूछा तो उन्होंने कहा यार दोबारा रेट हुई थी मेरे भाई को उस वक्त तक निकाल दिया था हमने आ, तो मेरी फैमिली ने बताया कि तुम्हारे जहाँ जैसे तुम्हें लेकर गए वालि साहब को मेरे मारा गया मेरे बुजुर्ग तायाबू थे जो ताया थे मेरे उनकी एज कोई है तकरीबन सेवेंटी के करीब उनको मारा गया और उनको कहा गया कि अगर आपने वो छोटे भाई को नहीं दिया तो आपको मार देंगे मेरी फैमिली इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो घर जो था उनको शिफ्ट करना पड़ गया तो ये जुलमो ज्यादती हैं बर्दाश्त की हमने तो मैंने फैमिली को बोला कि पहले तो बहुत ज्यादा हम लोग शौक थे कि जिस तरह से रात को दो बजे किसी के घर में आप आए रामगा पे आए और जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ की चीजें लेकर गए तमाम चीजें उन्होंने खत्म कर दी तो मैं समझता हूं कि चीज मेरे लिए नाकबिल में चौदह पंद्रह दिन क्यामत टूटी रही मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जिस बात पर फख्र है और जिस तरह से मेरी फैमिली के साथ ये सलूक हुआ हम वक्त याद रखेगा देखिए सौराब भाई तारीख जो होती है वो बड़ी जालिम है। वो तारीख याद दिलाती है वक्त की यही खूबसूरती है कि वो बार बार अपनी तारीख को दोहराता है कभी आपका है तो कभी हमारा होगा ऐसा तो हाँ। मुझे इस बात पे यकीन है कि कभी वक्त अगर आपका है तो आ, कल हमारा भी होगा यकीनी तौर पर जब हमारा वक्त होगा या किसी का भी वक्त होगा हम फिर भी मजलूम की आवाज ही बनेंगे और आप जैसे नौजवान सड़कों पर जा रहे हैं फिर मजलूम के लिए बाहर निकलेंगे सर मुझे ये बताएं आपको जो हमने देखा है वो पुलिस लेकर गई फिर आपको अदालत में भी पेश किया गया आ, उसके बाद, के बाद आपको उठा लिया गया था इधारे लेकर नहीं मुझे अदालत में पेश नहीं किया गया मुझे आ, बिल्कुल से गायब कर दिया गया था मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त मैं समझता हूं कि वक्त आने पर बताई जाएंगी मगर मैं जब वापस आया हूं तो मेरी आंखों में पट्टी यार सोरा भाई लेके जब ये लोग जाते हैं तो आंखों पे पट्टी मुंह पे कपड़ा होता है समझ नहीं आती मुझे जब ये छोड़ने गए तो एक जगह पर जाकर नहर थी वहां पर जाके छोड़ दिया है मुझे और फिर आ, मुझे कहा है कि आपने पीछे नहीं देखना आपने बात नहीं करनी सुनसान बिल्कुल गुमनाम रहना है आपने खामोश रहना है मेरी आंखों में पट्टी मुंह पे कपड़ा था मैं घंटा बैठा रहा हूँ तो दो दिन बाद मैंने जैसा आपको पहले बताया कि ना मुझे अदालत में पेश किया गया ना पुलिस मुझे लेकर गई मुझे इन्होंने छोड़ा फिर मैं घर आ गया लेकिन दो दिन तक मेरी तबीयत इतनी नासाज थी कि मैं मंजरेआम पे आ ही नहीं सका फिर मियाँ इशफाक साहब की बड़ी मेहनत थी जिन्होंने इस वक्त मुझे मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की जो आवाज़ बनी आवाज़ वहां पर उठाई गई तो उसकी वजह से मैं जिंदा हूं मैं आपको ये बात बार बार, बार अल्फाज दोहरा दूं कि मैं जिंदा अगर हूं तो वो जो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे आवाज उठाई है मैं उनकी वजह से जिंदा हूं वरना मेरी हालत दो दिन में अगर कोई देख लेता तो ऐसी नहीं थी कि मैं अपने अल्फाज भी सही दोहरा सकूं अच्छा नहीं सर आपको ले जाया गया है कुछ उसके बीच में, उसके में बाद भी कुछ तस्वीरें तो आपके आई थी बाहर और फिर यह भी खबर आई कि नहीं मैं आपको रिहा कर दिया गया है आप फिर घर नहीं पहुंचे ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी बीच में नहीं ये सब झूठ थी फेक था ये प्रोपोगंडा था मेरे खिलाफ जो आ, मुझे लगा कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मैं उनके साथ बैठता उठता था लेकिन उन्होंने इस चीज को प्रोपोगंडा किया इसको मैनिपुलेट किया इस चीज को लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं थी झूठी थी मैं तकरीबन चौदह दिन बाद हुआ और बाजियाब होके दो दिन जो था आ, मैं आ, मेडिकल प्रोसीजर था मेरा उसमें रहा और फिर उसके बाद मंजरे यहां पे आया मैं अच्छा सर ड्राई मेहरबानी ये बताएं कि फिर क्या क्या आपको पता है आपको कौन आप, सी आप, जगह पर चुके हो गया बहुत सारी डिटेल बिठाया गया है ना तो मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया और वो सवाल ये था कि तुम जानते हो कि हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है तो मैंने कहा जी मैं जानता हूं जो मुझे गिरफ्तार करने वाले थे जो मुझे अगवा करने वाले थे उनको पूरा पाकिस्तान जानता है मेरी गलती जो है वो भी पूरा पाकिस्तान जानता है कि जिस वक्त डी चौक के ऊपर मजलूम को मारा जा 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 रहा था गोलियां गोलियां मारी मारी रही रही थी जा रही थी रबड़ की तो मैं उस वक्त मैं उनकी आवाज बना ये मेरा सबसे बड़ा जुर्म है और फिर उससे बड़ा जुर्म कि मैं वहां पर जाके ये दिखाता था कि लोग इस वक्त आयन और कानून की बका के लिए बाहर निकले हुए और आगे भी दिखाऊंगा ये जुर्म है और इस जुर्म के लिए सजा बहुत बड़ी मिल गई लेकिन मुझे तकरीबन 12 से 13 घंटे टॉर्चर किया गया लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा मोहब्बत करते हैं। मैं भी मोहब्बत करता हूं बाईस भी मोहब्बत करती है ये नहीं करते तो हमें नहीं पता लेकिन हम मोहब्बत करते हैं इनसे और करते रहेंगे जो चीज इन्होंने मेरे साथ की डिमांड मुझसे एक चीज थी और ये ये डिमांड थी कि वीडियो पैगाम जारी करें आप और वीडियो पैगाम जारी करके गवाही दें तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा स्वराब भाई कि मैं अपनी माँ का जिगर ठंडा करने के लिए किसी दूसरी माँ का जिगर जला दू तो बारह तेरह दिन अजियत बर्दाश्त की मैंने लेकिन गवाही नहीं दी बयान नहीं दिया और मैं समझता हूं ये अल्लाह ने ताकत दी मुझे कि मैं उस वक्त शायद बहादुर बन गया वरना मैं बड़ा बुजिल इंसान हूं बड़ा कमजोर इंसान लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया जो डिमांड थी यही थी कि आप माफी मांगें और आप बयान जारी करें बयान सबको पता है बयान किसान क्या होना था बयान यही जो मैंने काम किया था गुनाह कबीरा जो किया था डी चौक पे आपको पता होगा कि मैंने मुजाहरीन के लिए जो आवाज उठाई थी उनपे जो स्टेट फायर किए गए थे उसके खिलाफ बयान के लिए एक वीडियो जो बनाई गई थी जिसपे मुजाहरीन को जो स्टेट फायर हुए थे मैंने उनके शेल दिखाए थे उसके ऊपर बयान थे और बहुत सी ऐसी हैं। जो के या बात है ना ऑबली बात है यही मलबा था और मुझे बोला भी गया कि आपने ये करना है लेकिन मैंने फिर इस चीज को बड़ा कंट्रोल भी किया और कहा कि मैं नहीं दे सकता बयान मैंने बड़ा मना भी किया उनको और जो लीडरशिप थी जिनके बारे में बताया जा रहा था वो जो लोग थे वो उसी वक्त डी चौक पे मौजूद भी थे वक्त आने पर उन सबके नाम भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी वो वक्त नहीं आया जी ठीक है इस दौरान जाहिर है जो आप बता रहे हैं इससे तासर ये मिल रहा है कि जाहिर है पाकिस्तान के इदारों के लोग थे तो इस दौरान आपकी उनके साथ कोई डिस्कशन नेगोशिएशन जाहिर है गुफ्तगू बातचीत तो हुई होगी देखिये मैं मुझे पहले तो ले जा के जिनाब एक ऐसी जगह पे डाल दिया गया मेरी आंखें बंद बनती मुंह पे कपड़ा था मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे जब लेके जाते हैं तो तब कपड़ा होता है मुंह पर और जब छोड़ के जाते हैं, तब कपड़ा होता है बात जब करते हैं तो सिर्फ आवाजें होती हैं शक्लें नहीं होती तो हम तो पहचान नहीं सकते एक बयान मैंने जो आपके सामने रख दिया कि मुझे इसलिए शायद डीचो की कवरेज के ऊपर काफी ज्यादा उकसाया ये बोला कि तुम तो हाफ़ी ही नहीं हो तुम कौन होते हो आ, ये बोलने वाले कि जनाब फलाना ये है फलाना शख्सियत वो है तो मुझे इस बात पे दुख और तकलीफ है देखें एक बात पे बड़ी दुख और तकलीफ है उन्होंने मुझे बोला कि यार आप एक कमरे में रहते हो जब तुम्हें गिरफ्तार करने आए एक कमरा था तुम्हारे पास माँ बाप भी तुम्हारे वहीं है तुम्हारे भाई बहन भी तुम भी घर तो तुम एक बना नहीं पाए और तुम हमसे मुकाबला करोगे तकलीफ हुई बहुत ये तकलीफ दिया था मैंने अपनी जिंदगी में ये सोचा कि मैं तो मोहब्बत करता हूं पाकिस्तान के साथ वफादार हूं और इस वफादारी में मैंने कभी लिफाफा नहीं लिया शायद इस चीज की मुझे मुझे लगता है कि सजा मिली है मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा आवाम का नुमाइंदा रहा हूं हमेशा बना रहूंगा तकलीफ सिर्फ इस चीज की हुई है सर फिर बाकी कि... मुझे किसी चीज मारा पीटा किसी चीज की तकलीफ नहीं किन गारंटीज पर फिर आपको छोड़ा गया मुझे अगर छोड़ा गया तो इस चीज पे कि मैं खत्म हो गया था मैंने जो आपको बताया कि शायद अगर वो दो दिन और रख लेते तो शायद आगवर आपके सामने ना बैठा होता अल्लाह अल्लाह ना अल्ला ना करे करे हाँ और अब तो माम ये मामला हैं हाँ। तो आपको टॉर्चर किया गया डंडे मारे गए सोटे मारे गए किस तरह का टॉर्चर था जि, जिन जिन अल्फाज को आप अदा कर रहे हैं ये बहुत बहुत ज्यादा लाइट है अच्छा फिर आप आप थोड़ा सा प्लीज बताएं चुके देखें गुजारिश यह है सर जालिम का चेहरा दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है और बेशक बेशक जब जब तक ये चीजें नहीं आएंगी मेरे ख्याल में जालिम का चेहरा नहीं दिखेगा मकसद हरगिज आपको दोबारा से उस कैफियत में ले जाना है लेकिन थोड़ा सा अगर आप समझा सके टॉर्चर क्या था जैसे इमरान रियाज खान साहब बताते हैं कि उन्हें इंजेक्शन भी लगाए गए उन्हें उल्टा लिटाकर मारा गया डंडे मारे बुरी हालत तो आपके साथ क्या था देखिये इमरान रियाज भाई तो बहुत बहादुर थे मैं इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो मुझे दो बार इंजेक्शंस लगे इस बारह दिनों के दौरान मुझे दो बार इंजेक्शन्स लगाए गए और उल्टा करके जो मारने वाली बात है ना मुझे एक बार मारा गया मेरी जो हाथ थे वो पीछे बंदे होते थे मुंह पे कपड़ा चढ़ा हुआ होता था और वो मारते थे और जिस तरह से मुझे मारा जाता था दरअसल मुझे सांस की प्रॉब्लम है तो फिर जब मुझे मारा जाता था तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाया मुझे दो तीन दिन तो बिल्कुल से सांस नहीं आई फिर उन्होंने तबीयी इमदाद दी मुझे इंजेक्शंस लगाए और उससे मेरी तबीयत और बिगड़ना शुरू हो गई फिर उसके बाद मुझे दो बार खून की उल्टियां हुई मैं बिल्कुल हिम्मत हार गया था लास्ट के जो दो या तीन दिन थे अंधेरे में क्योंकि अंधेरा कमरा था ना किसी से बात होती थी गंदा सा कमरा था पैर फैलाओ तो फ्लश नजर आता था फ्लश पे पैर रखते थे तो आ, मैं जब थोड़ा सा समला हूं दो चार दिन मैंने कुछ खाया नहीं तो लास्ट के दो दिनों पे मुझे फोन की उल्टिया हुई बहुत सी तकलीफ उन्होंने दी मुझे मैं जालिम का चेहरा जो है वो इतना खौफनाक है कि मैं नहीं चाहता कि मैं उसको वापस दोहराऊं लेकिन ये जो तकलीफ उन्होंने प्रोवाइड की है मुझे मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा थी और मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया और मैं ढाल हो गया और गिर गया और मैं उनसे फिर भीख मांगने लगा मैंने कहा कि सर मैं या तो आप मुझे मार दें क्योंकि मैं अब तकलीफ तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो फिर डॉक्टर्स ने मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कहा कि भाई आप इसको या तो हॉस्पिटलाइज करें या छोड़ें वरना हमारे हाथों से निकल गया आई मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग समझते थे कि आई एम नो मोर जिसकी वजह से मुझे छोड़ा गया, गया बाकी मुझे नहीं लगता कि डील वगैरह तो मैंने नहीं की बात तो मैंने कोई नहीं मानी आ, आपकी, आ, आप आपकी इस वक्त क्या आपने घर जा सकते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता मैं घर से महरूम हूं बेघर हो चुका हूं मैं इस वक्त और आपकी फैमिली मेरी फैमिली भी सर मेरी फैमिली भी मेरे साथ है हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा थे तो आ, मेरी फैमिली भी इस वक्त घर नहीं जा सकती इस वक्त जो हालात मेरी फैमिली पर हैं तो मैं और मेरी फैमिली मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इनशाला करेंगे इसका मुकाबला आखिरी पैगाम क्या होगा मैसेज क्या होगा आपको चाहे पाकिस्तानी अवाम के लिए हो या इन इनकारों के लिए हो आपका मैसेज क्या होगा चूंकि आप माशा काफी कम उम्र नौजवान है अभी और अभी आपने बड़ा सफर तय करना है देखिये हिम्मत नहीं छोड़ने मोहब्बत करना नहीं छोड़नी हम मोहब्बत करते रहेंगे हम मोहब्बत करते हैं इनसे ये मेरा मुल्क है ये बानिए पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना का मुल्क है ये वो मुल्क है जो लाला ला के नाम पर बना था मेरे अबाउदात अपने सर कटवा के इस मुल्क में पहुंचे थे मेरी माए बहनें अपनी इज्जत लुटवा के इस मुल्क में पहुंचे थे तो हम तो मोहब्बत करते रहेंगे सीने पर तो झंडा मैंने लगाया हुआ होता है उसको वापस लगाऊंगा फिर निकलूंगा मेरा मुल्क है यार मैं मोहब्बत करता हूं करता रहूंगा मोहब्बत और कोशिश करूंगा कि तब तक मोहब्बत करूं तब तक ये मोहब्बत ना करूं इनसे भी मोहब्बत करवाएंगे डरते नहीं है मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते रहेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता ज़ुबानें खींच ली जाती हैं डर है खौफ है टेरर है पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है वेल मैनेज्ड है एक मैसिव सेंसरशिप है इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत और पीके भी फेस कर रहा है जिसे पाकिस्तान भर में गुजशत कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है सियासत और पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है तमाम तर कानूनी महाज के ऊपर आवाज उठाई गई दस्तक दी गई लेकिन हर तरफ से खामोशी है सनाटा है कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनने को तैयार नहीं है लेकिन इसका हल क्या है क्या खामोश हो जाए क्या सवाल ना करें क्या मालूम आप तक ना पहुंचाएं क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाए मालूम भी पहुंचेगी इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी सवाल भी उठेंगे लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है प्रोसेस है उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें हमारा हिस्सा बने हमारी ताकत बने ख्याल रखिएगा अल्लाह